अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भलीकार माया गज़ाला अब रोज़ सब खां पेरे आया का नज़र हेडलाइंस ते कौमी असेंबली जो इजलास अज साढ़े दहें वगे छनुकाती एजेंडा जारी कई वही। इजलास में वज़ीर आज़म खिलाफ़ बेतमादी की रिथ पेश कई वी। कौमी असेंबली के इजलास ला इस्लामाबाद पुलिस फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान जोड़े वरतो। इस्लामाबाद में रेंजर्स ए पुलिस की वही नफरी मुकरर। रेड जोन के मुकम्मल तौर सील कर वो आम मानू की दाखिला से पाबंदी लागू। बी अगु सुप्रीम कोर्ट कौमी असेंबली वफाकी काबीना के बहाल कर हो। कौमी असेंबली जो इजलास मेंबरन की आमद जो सिलसिलो जारी। अगूणो सदर आसिफ अली जरदारी ए पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंची व्या। नून लीग सदर शहबाज शरीफ बीएनपी सरबराह अख्तर मेंगल खालिद मकबूल सिद्दीकी खालिद मक्सी आगा रफीला मुर्तजा जावेद अब्बासी पार्लियामेंट हाउस पहुंची व्या। नून लीग सदर शहबाज शरीफ चवाए तो वक्ती मसलियत खातिर पाकिस्तान ए कश्मीर जहा मुफाद कुर्बान न कयो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चवे तो अज बेतमादी रिथ से वोटिंग न थी तो यह अदालत के हुक्म की भंजकड़ी होंगी। स्पीकर ए डिप्टी स्पीकर कोर्ट के हुक्म जहा पाबंद हैं। वो वजीर सैद मुराद अली शाह चवे तो यो ही ऑर्डर ऑफ द डे हों जो 3 अप्रैल से हो। जर आइन टोड़ो सरप्राइज है तो वह भी गाल है। शहबाज शरीफ की सदारत हेठ गडियल मुखालिफ दुर्ज पार्लियामानी पार्टी जो इजलास। इजलास में नून लीग सदर ए अपोजिशन लीडर विच में हिकमत अमली तय थी। गडियल मुखालिफ दुर्ज सरबराह कौमी असेंबली के इजलास हिकमत अमली जोड़ींदा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाज़ह कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज्जत करता हूँ। कम अज कम सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला है जो डॉक्यूमेंट है कम से कम उसको बुला के देख तो लेता। मैं तो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूँगा। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो लाने की कोशिश हो रही है, परसों संडे को आपने सब ने इशा के बाद आपने सब ने निकलना है और एक जिंदा कौम की तरह इत्तेजाज करना है। इम्पोर्टेड हुकूमत के कें भी सूरत में तस्लीम न कंदुस। बेतमादी रिथ का पोए नई ठहंदड़ हुकूमत खिलाफ आवाम में निकरंदुस। वज़ीर आज़म इमरान खान जो ऐलान आवाम के आचर ते सोमाणी की नमाज का पोए एहतजाज जो सड़ डींदे। वज़ीर आज़म चवाए तो सभी के बाहर निकरणो है और जमीर खरीद कर ड्रामा कंदड़न खिलाफ पुरम एहतजाज करो है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी थी पर वो फैसले के कबूल कन था अदलिया जो एहतराम कन था। सुप्रीम कोर्ट पदे मुदाखलत वे मामले के दिसे आ घट में घट सुप्रीम कोर्ट खत के घुराए जायजो तो वी पर उनते आला अदलिया में का गाल न थी। अदलिया के हॉर्स ट्रेडिंग से नोटिस वठन घुर्जे आ पढ़े साजिश से बदल खत आवाम या मीडिया आरो उन करे पेश न थो करे सके छो तो पूरो पैगाम सीक्रेट कोड में लिखल है। जैसे खत मंजरियाम से अची वो तो काश ये गुझी न रही।